चैप्टर थ्री इंटीजर्स वर्कशीट वन। चैप्टर थ्री की वर्कशीट वन करेंगे हम आज। चैप्टर का नाम है इंटीजर्स। तो सबसे पहले मैं आपको इंटीजर्स के बारे में ही बताऊंगा कि इंटीजर्स क्या होते हैं, क्योंकि फिफ्थ तक आपके पास इंटीजर्स नहीं थे। ये आपके लिए एक नया टॉपिक है क्लास सिक्स्थ में। देखो सबसे पहले तो हम करते हैं भाई नेचुरल नंबर, जिसके बारे में आपको पता है नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं आपको पता है, नेचुरल नंबर वन से शुरू होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे आगे चलते रहेंगे, कभी भी ख़त्म नहीं होंगे। उसके बाद आपको होल नंबर के बारे में भी पता होगा कि होल नंबर क्या होते हैं। होल नंबर 0 से शुरू होते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे चलते रहेंगे आगे, कभी भी ख़त्म नहीं होंगे। तो नेचुरल नंबर हो गया, होल नंबर हो गया। नेचुरल नंबर 1 से शुरू होते हैं और होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं और कभी ख़त्म नहीं होते। अब जो आपके सिलेबस में आया है नया नंबर वो है इंटीजर्स, ठीक है। अब इंटीजर्स क्या होते हैं, ठीक है, इंटीजर्स क्या होते हैं। देखो अगर एक नंबर लाइन बनाता हूँ मैं, जैसे मैंने 0 से शुरू किया, 0 एक होल नंबर है, 0, 1, 2, 3, 4, 5 ये 1, 2, 3, 4, 5 ये 1, 2, 3, 4, 5 ये है पॉजिटिव नंबर। क्या बोलेंगे इसको, पॉजिटिव नंबर हैं ये सारे, प्लस के हैं। प्लस का 1 है, प्लस का 2 है, प्लस का 3 है, प्लस का 4 है, प्लस का 5 है, ठीक है। अगर हम 0 के भी इधर चलें, 0 के हम चलें लेफ्ट साइड में, किस साइड में चलें, लेफ्ट साइड में, और ये 0 से ये क्या है, राइट साइड है, और 0 के जो इस साइड है वो क्या है, लेफ्ट साइड है। तो नेगेटिव नंबर शुरू हो जाएंगे, -1, -2, -3, -4, -5 ठीक है। इसी तरह से चलते रहेंगे आगे, कभी भी ख़त्म नहीं होंगे, ठीक है। तो इंटीजर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स में क्या आ जाएंगे, पॉजिटिव नंबर भी आ जाएंगे, नेगेटिव नंबर भी आ जाएंगे, 0 भी आ जाएगी, इसको बोलेंगे इंटीजर्स, ठीक है। इंटीजर्स क्या होते हैं भाई, 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे चलते रहेंगे, और इधर से क्या, -1, -2, -3, -4 ठीक है। तो इंटीजर्स क्या होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स में पॉजिटिव नंबर भी आ जाते हैं, नेगेटिव नंबर भी आ जाते हैं, और 0 भी आ जाती है। ये इनको क्या कहते हैं, हम इंटीजर्स कहते हैं। नेगेटिव नंबर भी आ जाए, नेगेटिव का मतलब जिसके आगे माइनस का साइन लगाओ, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, नेगेटिव नंबर कहते हैं। जैसे -1, -2, -3, -4 ठीक है। एक एग्जांपल लेके बताता हूँ इंटीजर्स का यूज़ कैसे करते हैं। जैसे मान लो समर सीज़न है, गर्मी का सीज़न है, तो हमारा जो टेम्परेचर है कभी 40 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, कभी 45 डिग्री हो जाता है, 46 हो जाता है, 47 ठीक है। मगर जहाँ पे ठंड पड़ती है वहाँ पे क्या होता है, 0 डिग्री तक पहुँच जाता है। 0 डिग्री का मतलब आपको पता होगा कि 0 डिग्री सेल्सियस पे बर्फ़ जम जाती है, पानी से बर्फ़ बन जाती है। और कई तो ऐसी जगहें हैं जहाँ पे 0 से भी नीचे चला जाता है। अगर 0 से भी नीचे टेम्परेचर को लिखना है तो किस में लिखेंगे हम, जैसे 0 से भी नीचे चला गया, -1 डिग्री सेल्सियस -2 डिग्री सेल्सियस -3 डिग्री सेल्सियस -40 डिग्री सेल्सियस। ऐसी जगह भी है जहाँ पे जो टेम्परेचर है -40 डिग्री, यानी कि 0 से भी नीचे, ठीक है। अगर 0 से भी लेफ्ट की तरफ चलें, 0 से भी नीचे चलें, तो उसको हम माइनस में लिखते हैं। ऐसे डेली लाइफ में हम इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। इसी तरह से अगर जैसे ये सी लेवल है, ये समुद्र है, ठीक है, अगर इसको समुद्र माने, सी लेवल माने, अगर सी लेवल से ऊपर की बात करें तो हम उसको पॉजिटिव दिखा देते हैं, जैसे 10 मीटर अबव सी लेवल। अगर सी लेवल नीचे दिखाएं कि भाई कितना कह रहा है, तो अगर मान लो ऐसे दिखाना हो कि 20 मीटर है, तो उसको दिखा देंगे हम माइनस में दिखा देंगे। यानी कि जो ऊपर कोई चीज़ है, अपवर्ड चीज़ है, उसको तो हम पॉजिटिव दिखा देते हैं, और जो नीचे है उसको हम क्या दिखा देते हैं, नेगेटिव दिखा देते हैं, ठीक है। ये इंटीजर का यूज़ है। जैसे हमको किसी चीज़ में गेन हुआ, गेन का मतलब हमें फ़ायदा हुआ, तो हम पॉजिटिव में दिखा देंगे, भाई हमें 100 रुपये का फ़ायदा हो गया, ठीक है। एक दुकानदार था, उसने भाई कोई चीज़ लेके आया, उसको 100 रुपये का फ़ायदा हो गया, गेन हो गया, तो उसने पॉजिटिव में दिखा दिया, 100 रुपये का गेन हो गया। अगर उसको लॉस हो जाए तो क्या, किस में दिखाएगा, माइनस में दिखाएगा कि मेरे को भाई क्या हो गया, भाई लॉस हो गया, -100 रुपीज का क्या हो गया, लॉस हो गया, ठीक है। ऐसे ही हम दिखा सकते हैं, ठीक है। किसी भी, देखो
किसी भी चीज़ का अपोजिट होता है, अपोजिट चीज़ को हम नेगेटिव में दिखा सकते हैं। जैसे गेन का अपोजिट क्या होता है, लॉस होता है, ठीक है, या प्रॉफिट का अपोजिट क्या होता है, लॉस होता है। ऐसे ही हमने नेगेटिव इंटीजर का यूज़ करके हम उसको नेगेटिव फॉर्म में दिखा सकते हैं। अब हम क्वेश्चन करेंगे, हमें सारा समझ आ जाएगा कि क्या चीज़ है। देखो, इंडिकेट द फॉलोइंग बाय यूजिंग इंटीजर, इंटीजर्स का यूज करना है और बताना है अर्निंग ऑफ 500, अर्न हुआ है यानी कि हमें फायदा हुआ है, हमने कमाई है चीज, तो उसको प्लस में दिखा देंगे, ठीक है। अगर खर्च की होती तो उसको नेगेटिव में दिखा देते, तो ये हमारा ये आंसर आ गया हमारा, ठीक है, प्लस 500 रुपीज, ठीक है। अब लॉस ऑफ रुपीज 90, लॉस हो गया, घाटा हो गया हमें, तो किस में दिखा देंगे, माइनस में दिखा देंगे, ठीक है। माइनस 90 रुपीज़ का क्या हो गया, लॉस हो गया। क्लाइंबिंग अप, अब ऊपर चढ़ रहे हैं तो पॉजिटिव दिखा देंगे, तो ठीक है, तो इसको किस में दिखाएंगे, पॉजिटिव 10 स्टेप ऊपर गया है, 10 स्टेप ऊपर गया तो ठीक है, अगर नीचे गया होता तो माइनस में दिखा देते, ठीक है। विदड्रॉल, विदड्रॉल का मतलब होता है निकालना, 500 रुपीज़ फ्रॉम बैंक, 500 रुपीज़ बैंक से निकाल लिए, इसका मतलब क्या हो गया, निकाल लिए तो माइनस 500, अगर अगर बैंक में डाल देते तो क्या लिखते, प्लस 500। आ रही है बात समझ में। अब 5 मीटर अबव सी लेवल, अबव मैंने क्या बताया था, ऊपर का दिखाना हो तो क्या दिखा देंगे, प्लस में दिखा देंगे, प्लस 5 मीटर, ठीक है। और 3 किलोमीटर टूवर्ड नॉर्थ, अब ये देखो ये है ना, ऊपर वाला क्या होता है नॉर्थ, नीचे वाला क्या होता है साउथ, ये ईस्ट है और ये क्या है वेस्ट। नॉर्थ क्या है, ऊपर की तरफ, डायरेक्शन की होंगी, नॉर्थ ऊपर की तरफ होता है, तो प्लस में दिखा देंगे, प्लस 3 किलोमीटर। और 10 डिग्री सेल्सियस बिलो ज़ीरो, अब बिलो ज़ीरो यानी कि ज़ीरो से भी नीचे, अभी बताया था मैंने ज़ीरो से भी नीचे, अगर नीचे दिखाना तो किस में दिखाएंगे, माइनस में दिखाएंगे, माइनस 10 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। एंड इंक्रीज ऑफ 25 मार्क, इंक्रीज बढ़ गए नंबर, नंबर बढ़ गए तो पॉजिटिव दिखा दो, अगर नंबर घट जाते डिग्री जो है तो माइनस में दिखा देते, ठीक है, तो 25 मार्क्स। राइट द अपोजिट, ये तो आसान था बिल्कुल क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द अपोजिट, अपोजिट बताना है हमने, उल्टा बताना है, आपने अपोजिट पढ़ रखे होंगे, ठीक है, वही चीज है। अब डिपॉजिटिंग का उल्टा क्या होता है, डिपॉजिट का उल्टा क्या होता है, डिपॉजिट का उल्टा होता है, डिपॉजिट का मतलब होता है जमा कराना, बैंक में पैसे जमा कराना, कहीं पे कोई चीज फीस जमा कराना है। और इसका अपोजिट लिखना है तो क्या आएगा, विदड्रॉइंग, क्या आएगा, विदड्रॉ का मतलब क्या होता है, निकालना, तो इसका अपोजिट आएगा, आप लाइन लिखोगे, इसका अपोजिट लिखना था विदड्रॉइंग रुपीज 1000 इन ए बैंक अकाउंट, इसका इस सारे का अपोजिट क्या लाइन आएगी, ये विदड्रॉइंग रुपीज 1000 इन ए बैंक अकाउंट, बस ये सीधा सीधा अपोजिट्स हैं। डिक्रीज का क्या होता है, इंक्रीज, डिक्रीज का मतलब होता है कम होना, घटना, और इंक्रीज का मतलब होता है बढ़ना। डिक्रीज ऑफ 5 मार्क, 5 मार्क का डिक्रीज का उल्टा क्या होएगा इसका, इंक्रीज, आप क्या लिखोगे, इंक्रीज ऑफ 5 मार्क्स, बिल्कुल इजी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट है अर्निंग रुपीज 200, अर्निंग का अपोजिट क्या होएगा, अर्निंग का, अर्निंग माने होता है कमाना किसी चीज को, ठीक है, पैसे को कमाना, तो अर्निंग का उल्टा होता है स्पेंडिंग, अपोजिट क्या होता है स्पेंडिंग, तो स्पेंडिंग रुपीज 200। गोइंग 2 किलोमीटर टूवर्ड ईस्ट, देखो ऐसी होती है डायरेक्शन, ऊपर वाली नॉर्थ होती है, नीचे वाली साउथ होती है, इधर ईस्ट होती है और इधर क्या होती है वेस्ट, यानी कि ईस्ट का अपोजिट क्या होता है, वेस्ट होता है, तो आप लिखोगे गोइंग 2 किलोमीटर टूवर्ड वेस्ट, इजी है बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं है। अब टू स्टेप टू लेफ्ट ऑफ जीरो ऑफ ए नंबर, नंबर लाइन, अब नंबर लाइन ऐसे है, ये जीरो है और जीरो के ये राइट में है जो भी नंबर होएंगे 1 2 3 4, और ये क्या होएंगे लेफ्ट में होएंगे, ये जीरो के राइट में होएंगे नंबर और ये जीरो के किस में होएंगे लेफ्ट में होंगे, तो इसने क्या है टू स्टेप टू द लेफ्ट ऑफ जीरो, 1 2 लेफ्ट ऑफ जीरो कहा है इसने, लेफ्ट ऑफ जीरो, जीरो के लेफ्ट में है दो नंबर दो स्टेप, तो आप क्या क्या कह दोगे, जीरो के राइट में ले लो, क्योंकि लेफ्ट का अपोजिट क्या होता है राइट होता है, तो हम लिख देंगे टू स्टेप टू द राइट ऑफ जीरो ऑन ए नंबर लाइन। अब आ गया लूजिंग वेट ऑफ 7 kg, 7 kg वेट कम कर दिया, लूज कर दिया, घटा दिया, तो
बढ़ाने को क्या कहते हैं, अगर वेट बढ़ जाए तो क्या कहते हैं, लूजिंग का उल्टा क्या होता है, गेनिंग, गेनिंग वेट ऑफ, GAIN, गेनिंग, गेनिंग वेट ऑफ 7 kg, बिल्कुल इजी था, ये भी अपोजिट लिखने थे बस इसमें तो। नेक्स्ट आ गया, इन सर्कल द नेगेटिव इंटीजर फ्रॉम फॉलोइंग नंबर्स। मैंने आपको बताया नेगेटिव इंटीजर क्या होते हैं, जिसके अंदर माइनस का साइन होता है वो नेगेटिव इंटीजर होते हैं, तो ये नेगेटिव इंटीजर हो गया, 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 और ये जो बच गए जिसके आगे कोई भी साइन नहीं होता वो पॉजिटिव होता है, ठीक है। 45 का मतलब है प्लस 45, और जैसे 107 का मतलब है प्लस 107, प्लस का हम साइन नहीं लिखते मगर वो किसका होता है, प्लस का होता है। तो हमने क्या बताना था भाई, पॉजिटिव बताना, नेगेटिव बताना था, नेगेटिव पे ये नेगेटिव है, माइनस का साइन लगा हुआ है, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, और ये सब क्या है, पॉजिटिव है, और ये जीरो क्या है, ये ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, जीरो तो जीरो होती है, जीरो ना पॉजिटिव होती है ना नेगेटिव होती है, जीरो को हम सिर्फ जीरो ही कहेंगे, जीरो कुछ नहीं है, ना पॉजिटिव में आती ना नेगेटिव में आती, तो जीरो तो जीरो होती है। तो 645 और 105 ये पॉजिटिव है, और जीरो ना पॉजिटिव ना नेगेटिव है, और -59, -1, -4, -62 ये क्या है, नेगेटिव इंटीजर है जो हमने बताने थे क्वेश्चन में, ठीक है। तो ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इस चैनल पे आपको 6th क्लास का पूरा सिलेबस धीरे धीरे अपलोड होएगा, आपको पूरा सिलेबस मिलेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो को लाइक भी कर देना। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।